हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कार साउंड 24। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। काफ़ी क्वेरी आई है मेरे पास, काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके पूछा है कि सर ये मिरर लिंक फंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। हाउ टू प्ले द मिरर लिंक फंक्शन इन 7 इंच टच स्क्रीन प्लेयर, ओके। और आप मिरर लिंक फंक्शन के थ्रू कैसे GPS, यूट्यूब, सारी ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि 7 इंच विदाउट एंड्रॉयड प्लेयर में हो सकता है। तो विदाउट एंड्रॉयड प्लेयर में कैसे आप फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑनलाइन सॉन्ग्स और मैप चला सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ मिरर लिंक फंक्शन कैसे करा सकते हैं। देखिए, आप अपने मोबाइल को लेंगे, मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। सबसे पहले ये USB केबल देंगे जिसके एक साइड मोबाइल चार्जर का पोर्ट होता है और सेकेंड साइड में आपका यूएसबी पोर्ट को मोबाइल के यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं और ये चार्जर वाला पॉइंट अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते ही ये अगर आपके मोबाइल में यूएसबी डबिंग करके ऐप होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। देखिए, ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन, सेम स्क्रीन और ये प्लेयर की स्क्रीन पर चल रहा है। अब जो भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलाएंगे वो आपके प्लेयर की स्क्रीन पे चलेगा। देखिए, जो भी आप चलाएंगे, XYZ कुछ भी आप अगर चलाएंगे, देखिए सेम स्क्रीन, सेम सब कुछ सेम आपको शो करेगा। ये जैसा कि मैं आप ऊपर नीचे भी करूंगा तो ये करेगा। इन केस अगर ये लीड को लगाने के बाद, आप लीड कनेक्ट करने के बाद, इन केस अगर ये सेम चीज़ आपके स्क्रीन पे, प्लेयर की स्क्रीन पे नहीं आ रही हैं तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्चिंग पे आप करेंगे USB डबिंग, USB, देखिए ये आया है USB डबिंग ऐप। इसको USB डबिंग ऐप, ये जो आपको आइकन दिख के आ रहा है ये USB डबिंग का है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने वाला है। इंस्टॉल होने के बाद इसका ओपन, ये आपकी स्क्रीन आ रही है। ओपन करने के बाद इसमें आ रहा है ओपन डेवलपर ऑप्शन, ओपन किया, ओपन डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन में आ गए आप। उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो ये USB डबिंग करके दिख रहा है, ये पहले ऐसे होगा, ओके। अब इसको ऑन करना है, ऑन करते ही ये आपको एक वार्निंग देगा, अलाउ USB डबिंग, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन पे, मोबाइल पे। अब एक बार फिर से यही सारा कनेक्ट कर देंगे वायर को और कनेक्ट करते ही ये फ़ोन लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद सेम स्क्रीन विल अपीयर विच वन इन योर मोबाइल, ओके। अब मैं आपको YouTube पे लेके चलता हूँ, मैं अपने मोबाइल में YouTube चला रहा हूँ, ओके। देखिए सेम स्क्रीन आएगी मोबाइल के, YouTube पे कुछ भी मैं एक बार देखिए, मैंने अब मेरा ये चैनल है कार साउंड 24, मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ आपको। देखिए मैंने सर्चिंग में डाला है कार साउंड 24, अब मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च करते ही ये हमारा आया है। देखिए अब मैं इस पर एक वीडियो चला रहा हूँ कार साउंड, ठीक है। मोबाइल को यूं कर लेंगे, मोबाइल में भी आ जाएगा और ये सेम चीज़ आपके प्लेयर में चलेगी। सेम चीज़ जो आपके मोबाइल में चल रहा है वही आपके प्लेयर पे चल रहा है, सेम चीज़। वार्निंग आ रहा है, ओके करना, सब कुछ सेम चल रहा है, ओके। देखिए अब मैं इसमें
आपको वॉइस भी सुना के दिखाता हूँ। ये पोर्टेबल है, चार्जेबल है, एक बार फुली चार्ज होने के बाद ये 4 to 5 hour का बैकअप देता है। चार्ज इसका चार्जर जो होगा वो मैं आपको दूसरा कोई भी गाड़ी के चार्जर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार साउंड 24। दोस्तों आज मैं आपके सामने ये ओल्ड सेंट्रो जो कि ओल्ड सेंट्रो में लगने वाला प्लेयर है, 9 inch का एंड्रॉइड प्लेयर में उसका डेमो दे। तो दोस्तों ये होता है मिररिंग फंक्शन, इस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कार साउंड 24 हमारे चैनल का नाम है, हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं